Good morning, children. Kesehoa? Fine. Very good. Children, repeat the date after me. Today's date is twenty three dot ten dot two zero two zero. Day is Friday. अक्टूबर चिल्ड्रेन आज हमें शॉर्ट एंड सिंपल एक्टिविटी करने वाले हैं ओके okay? इस एक्टिविटी में मैं आपको हाउस बनाना सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ मैथ स्टिक ओके आपको ऐसी मैथ स्टिक्स लेनी है और इससे पहले एक स्टिक को स्टैंडिंग लाइन uh, वाले पैटर्न में रखना है फिर हम एक और लेंगे <laughs> इसको स्लीपिंग लाइन वाले पैटर्न से रखेंगे अभी हम एक और लेंगे और इसको स्टैंडिंग लाइन वाले पैटर्न में इस तरह से रख देंगे और हम इसके ऊपर रखेंगे स्लीपिंग लाइन में ओके okay? हमने टू स्टैंडिंग लाइंस में और टू स्लीपिंग लाइंस में रखी है ना अब हम टू स्लैंटिंग लाइंस में रखते हैं। एक ऐसी रखेंगे ऊपर स्लेंटिंग लाइन वाले पैटर्न में और दूसरा उसके बाद में रखेंगे लाइन वाले पैटर्न में इस तरह से ये हाउस बन गए इसमें हमें डोर्स एंड विंडो बनानी है वो मैं आपको जब मैं आपका स्क्वायर शेप बताऊंगी उसके बाद हमें बनानी है ओके वेरी गुड चिल्ड्रन आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं मैथ्स में हम इंट्रोडक्शन ऑफ शेप स्क्वायर सीखेंगे ओके ये स्क्वेयर है आपको याद है हमने सर्कल एंड ट्राइंगल शेप सीखा था इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में आज हम स्क्वेयर शेप पढ़ने वाले सीखने वाले ओके okay? इसमें स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन ऐसे फोर लाइंस रहती है और फोर लाइंस से ये क्या बनता है स्क्वेयर शेप बनता है अब हम देखते हैं स्क्वेयर शेप के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होती है ओके okay? यह डाइज है शेप का देखो डाइज पता है ना सबको क्या होता है डाइज मतलब जो ये रहती है ना गोटी जिससे हम लोग खेलते हैं ऐसे हाथ में शफल करते उसको हाथ में हम ऐसे उसे डाइज कहते जब हम गेम्स खेलते तो स्नेक एंड लैडर ओके ब्लैक बोर्ड भी शेप का होता है कैरम बोर्ड भी शेप का होता है कैरम भी सबको पता है और ब्लैक बोर्ड मतलब क्या वो मैंने आपको इसके पहले सिखा है ब्लैक बोर्ड मतलब वो जो क्लास में टीचर जिसके ऊपर लिख के हमको बताती है ब्रेड ब्रेड तो सब खाते हैं ना ब्रेड भी स्क्वायर शेप की होती है आइस क्यूब आइस क्यूब भी स्क्वायर शेप का होता है आइस क्यूब मतलब बर्फ जो फ्रीजर में रहता है ना मम्मी रखती है आइस ट्रे में वो देन विंडो विंडो भी हमारे घर की स्क्वायर शेप की होती है ओके अभी आई विल शो यू देखो चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था ना मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक डोर एंड विंडोज ऑफ दिस हाउस अभी बनाते ये स्टैंडिंग लाइन बनानी है हमें इसे ओके okay? अब मैं यहाँ से ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाऊंगी और एक वापस स्टैंडिंग लाइन बना दूंगी ओके okay? ये डोर बन चुका है अब विंडो हम बनाएंगे इसका ओके okay? यहाँ एक विंडो बनाएंगे हम पहले एक स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन उसके नीचे से वापस स्टैंडिंग लाइन एंड अगेन स्लीपिंग लाइन ओके अभी वापस ऐसे सेम करेंगे स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन ये क्या बन चुके हैं विंडोज़ हमारे घर के कैसा है हमारा हाउस अच्छा है ना आपको भी ये ट्राई करना है ओके थैंक यू